12th class, we start a new chapter. The name of the chapter is Politics of Planned Development, मतलब नियोजित विकास. कैसे जो है कंट्री जब आफ्टर इंडिया फ्री हुआ है तो उसके बाद एक जो था सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इंडिया की डेवलपमेंट की जाए तो कैसे की जाए. इंडिया के पास इतना मनी नहीं था कि वो अपने सारे एरियाज़ में जो है मनी को इन्वेस्ट करके उसकी डेवलपमेंट कर सके. ठीक है, तो उस मोटिव को पूरा करने के लिए हमने जो है एक मॉडल कह सकते हो एक आइडिया लिया, एंड दैट आइडिया वी हैव टेकन फ्रॉम USSR. उस टाइम जो था USSR में जो था ये आइडिया फॉलो हो रहा था डेवलपमेंट का, प्लान डेवलपमेंट का, 5-year plans का. तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर विद द मोटिव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. द प्लान पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स वर नीडेड. तो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जो था प्लान पॉलिसीज और प्रोग्राम्स की नीड थी. सो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोग्राम दैट वॉज नोन एज 5-year plans. तो उनको 5-year plan कहा गया उस टाइम. ठीक है जी, तो यहाँ पे एक जो टर्म जो एब्रीवेशन की फॉर्म में है FYP की फुल फॉर्म है 5-year plan. अब आइडिया ऑफ डेवलपमेंट क्या था, किस आइडिया के बेस के ऊपर जो था हम डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि एकदम फ्री हुए थे, हमारे पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे कि हम उस पर लगा सकें. देन जो बेटा इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम के, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे सेटअप, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कह रहे थे कि स्टील प्लांट्स को सेटअप करना चाहिए. अगर कंट्री की डेवलपमेंट करनी है तो वी हैव टू सेटअप द स्टील प्लांट्स. ठीक है, द टर्म डेवलपमेंट वॉज अबाउट बिकमिंग मोर लाइक द इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज. की कुछ क्या कह रहे थे कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज के जो हैं तरह होना चाहिए. इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज जैसे UK है, US है, उसकी तरह होनी चाहिए वेस्ट, क्योंकि ये सारी कंट्रीज को हम किस में कंसिडर करते हैं, वेस्ट के अंदर. इन्वॉल्व विद द ब्रेक थ्रू डाउन ऑफ द ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर एज वेल एज राइज इन द कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. नाउ बेटा जो मॉडर्न क्राइटेरिया था, मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब है आधुनिकरण, उन्होंने तीन जो था चीज़ों के ऊपर कह सकते हैं एम्फेसिस के, ग्रोथ, मटीरियल प्रोग्रेस करेंगे एंड साइंटिफिक रैशनैलिटी, कि जब तक ये चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जब हमने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी किया था, देर वर टू टाइप्स ऑफ मॉडल, वन इज कैपिटलिस्ट मॉडल एंड अदर वन इज सोशलिस्ट मॉडल. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दोज टू मॉडल्स. द टू मॉडल्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट फॉर द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज कैपिटलिज्म लिबरल मॉडल गिवन बाई US एंड सोशलिस्ट मॉडल गिवन बाई USSR. देर हैड बीन अ डिबेट. नाउ देर वॉज अ डिबेट बिटवीन आर लीडर्स, तो वी इंडिया हैव टू अडॉप्ट कैपिटलिस्ट मॉडल और सोशलिस्ट मॉडल, कि इंडिया को कौन सा मॉडल जो अडॉप्ट करना चाहिए, कैपिटलिस्ट मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए या सोशलिस्ट मॉडल को. बट पंडित जवाहरलाल नेहरू सपोर्टेड द सोशलिस्ट मॉडल. जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने जिस मॉडल को सपोर्ट किया दैट मॉडल वॉज नोन एज सोशलिस्ट. सोशलिस्ट मतलब समाज का, कि जो भी विकास होगा, जो भी डेवलपमेंट होगी, वो डेवलपमेंट किसके लिए यूज़ होगी, जितना भी प्रोग्रेस होगा सबकी भलाई के लिए यूज़ होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो जाएगा हर चीज़ का. द सोशलिस्ट मॉडल मॉडल टू रिफ्लेक्ट द ब्रॉड कंसेंसस टू बी डेवलपिंग ड्यूरिंग द नेशनल. और ये जो सोशलिस्ट मॉडल का हमने आइडिया था, जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था उसी टाइम हमने डेवलप कर लिया था, कि हम जो है डेवलप जब हम फ्री होंगे, जब हम इंडिपेंडेंट होंगे, तो हम किस मॉडल के ऊपर डेवलपमेंट रखेंगे, सोशलिस्ट मॉडल के ऊपर. नाउ इन आर सेकेंड पेज वी विल डिस्कस कि डिस्कस द आइडिया शोर दैट गवर्नमेंट. अब यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं, कि गरीबी उन्मूलन, हिंदी में क्या बोलते हैं, गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम्स को स्टार्ट करेंगे. देन सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन. रीडिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ की करेंगे, लैंड की. ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. अब सम लीडर्स डिफर्ड एंड डिबेट. कुछ लीडर्स जो थे डिफरेंट थे, उनके आइडियाज़ डिफरेंट थे, डिबेट जो था उन्होंने की कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. वो किस किस चीज़ के फेवर में थे वो डिस्कस करेंगे. इंडस्ट्रियलाइजेशन शुड बी प्रेफर्ड पाथ. कुछ के लिए था कि नहीं, अगर इंडिया का विकास करना, डेवलपमेंट करना, देन इंडिया शुड अडॉप्ट द मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स कैपिटलिस्ट मॉडल.
सम क्या कह रहे थे लीडर्स कि रूरल पॉवर्टी शुड बी एलिवेटेड, कुछ को लग रहा था कि नहीं नहीं गरीबी को ख़त्म करना, पॉवर्टी को एलिवेट करना तो सोशलिज्म की तरफ जाना चाहिए। अब कुछ क्या मान रहे थे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस। अब कुछ का क्या कहना था कि अगर कंट्री की डेवलपमेंट करनी है तो एग्रीकल्चर जो है उसको डेवलप करना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो है कंट्री की डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आएगा। अब हम करेंगे प्लानिंग। प्लानिंग बेसिकली है क्या, ठीक है? तो प्लानिंग जैसे आप लोग घर में भी करते हैं कि जब आपके पापा की सैलरी वगैरह आती है तो उसके बाद हम प्लान करके अपने जो है खर्चों को कि ये वाला हमें यहाँ पे पैसा एक्सपेंस इधर, पैसे लगाने इधर है, जो हमारा मतलब मंथली बना होता तो उसी के अकॉर्डिंग करता है। वैसे ही कंट्री की डेवलपमेंट के लिए क्या प्लान किया गया, डिस्पाइट द वेरियस डिफरेंसेस देयर वॉज अ कंसेंसिस। बहुत सारे डिफरेंसेस थे जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, पर एक चीज़ के ऊपर सबका कंसेंस था, सबकी सहमति थी, वो क्या थी, डेवलपमेंट कुड नॉट बी लेफ्ट टू प्राइवेट, कि जो भी डेवलपमेंट का पाथ होगा, जो भी हम कंट्री की डेवलपमेंट करेंगे उसमें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जो हमारे लीडर्स थे उनको डर था कि अगर सब कुछ प्राइवेटाइजेश कर दिया गया तो कंट्री की डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का एम क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना, और प्रॉफिट को अर्न करने के लिए वो कंट्री की डेवलपमेंट पे कोई भी जो है ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट है, देयर वॉज अ नीड फॉर द गवर्नमेंट टू डेवलप अ डिज़ाइन और प्लान फॉर द डेवलपमेंट। अब गवर्नमेंट के लिए क्या थी, ज़रूरी था कि वो एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करें जिससे जो है कंट्री की डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके, मतलब कि कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी प्लानिंग कर सके जिसके थ्रू जो है डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके। आइडिया ऑफ प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस और रीबिल्डिंग ऑफ इकॉनमी, कि कैसे जो है आप अपनी इकॉनमी को रीबिल्ड करोगे, रीबिल्ड मतलब पुनर्रचना करोगे, दोबारा से बनाओगे। ऑन पब्लिक सपोर्ट, अगर आप प्रॉपर वे से करोगे तो पब्लिक भी आपको सपोर्ट करेगी। एंड दिस आइडिया जो था, ये आइडिया 1950s मतलब बिफोर हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम जो था ये आइडिया आ गया था, 1940 एंड 50 में इंडिया में भी आ गया था और वर्ल्ड ओवर भी आ गया था। एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन आपको पता है कि 9th क्लास में आपने हिटलर वाला चैप्टर जब आप लोगों ने किया होगा तो उसमें भी ग्रेट डिप्रेशन का जो था मीनिंग आया था। क्या था ग्रेट डिप्रेशन, कि जब वैल्यू जो थी रुपी की बिल्कुल ही डाउन हो गई थी, इंटरस्टेट वॉर इकॉनमी, अब वॉर के कारण जो था इकॉनमी पूरी तरह से ख़राब हो गई थी, उसको रीस्ट्रक्चर करना है। जापान और जर्मनी जो था कंट्रीज पूरी तरह से जो थे ख़त्म हो गए थे, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, ठीक है? तो ये है सोवियत यूनियन इन द ईयर 1930 या 1940 में जो था बेटा, उन्होंने डेवलपमेंट का प्लान, डेवलपमेंट का आइडिया जो था रीबिल्ड कर लिया था कि हम अपनी इकोनॉमी की डेवलपमेंट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। दस, अब यहाँ पे एक वर्ड जो कोट आ रहा है वो है, दस द प्लानिंग कमीशन वॉज नॉट अ सडन इन्वेंशन। जो प्लानिंग कमीशन, कभी क्वेश्चन आ जाए, सडन इन्वेंशन नहीं है कि एकदम नहीं बना है। इसका वे बैक आप बताओगे कि 1940s से 1950s में जो था इंडिया ने अडॉप्ट किया था, और उससे पहले 1930s में जो था USSR ने इसको जो था आइडिया को अडॉप्ट कर लिया था कि अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तो डेवलपमेंट का जो पाथ है वो पाथ हमारा क्या रहेगा, प्लान रहेगा। नौ, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसी के अंदर, बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान जो है स्टार्ट हुआ 1944 के अंदर हुआ। अब किसने किया, यहाँ क्वेश्चन आया था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान क्या है, अकॉर्डिंग टू बॉम्बे प्लान क्या था, अ सेक्शन ऑफ बिग इंडस्ट्रीज गॉट टुगेदर इन 1944। 1944 में जितने भी बड़े इंडस्ट्रीज थे वो इकट्ठा हुए एंड ड्राफ्टेड अ जॉइंट प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ प्लान्ड इकॉनमी इन अ कंट्री, कि उन्होंने एक जो था प्रपोजल तैयार किया कि कंट्री की प्लान डेवलपमेंट करना है, कैसे करेंगे। तो ये इंडस्ट्रीज ने एक मॉडल तैयार किया था जिसको, और बॉम्बे में हुआ था इसकी मीटिंग, इसलिए इसको क्या बोला गया, बॉम्बे प्लान। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ऑब्जेक्टिव था द स्टेट टू टेक मेजर इनिशिएटिव इन इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, कि स्टेट जो है इनिशिएटिव लेगा किस चीज़ के लिए, कि इंडस्ट्रीज़ को लगाना है और कोई भी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करनी है, उस चीज़ का इनिशिएटिव कौन लेगा, आपका स्टेट को लेना पड़ेगा, मतलब पब्लिक सेक्टर को लेना पड़ेगा। दस, राइट एंड लेफ्ट, राइट जो थे आपके कह सकते हो जो राइट वाले थे बेटा वो जो है कैपिटलिस्ट की तरफ थोड़ा फेवर कर रहे थे, और जो लेफ्ट वाले थे वो अगेंस्ट थे, ठीक है? तो राइट थे चाहे लेफ्ट थे, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट मेजर, और सबके लिए डेवलपमेंट क्या था,
मेजर ऑब्जेक्टिव था, और डेवलपमेंट कैसे होगी, प्लानिंग के थ्रू. देन केम अ न्यू टॉपिक दैट वॉज दैट इज प्लानिंग कमीशन. देन इंडिया में प्लानिंग कैसे जो है शुरुआत हुई. सेटअप प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन इंडिया इन द ईयर 1950, मार्च 1950 में जो था इसको सेटअप कर लिया गया बाय सिंपल रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सिंपल रेजोल्यूशन है जिसके थ्रू जो था प्लानिंग कमीशन को इंडिया में सेटअप कर दिया गया. एंड हैज़ एन एडवाइजरी रोल एंड रिकमेंडेशन. अब इसका रोल क्या है कि ये एडवाइज करेगा और रिकमेंड करेगा, बताएगा कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद एंड बिकेम इफेक्टिव ओनली व्हेन द यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव दिस. और इफेक्टिव कब हुआ, जब तक इसको यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं कर लिया. तो ये आपको लाइन बाय लाइन नीचे की तरफ मिलता जाएगा जब आप स्लाइड्स को देखते जाओगे. अब रेजोल्यूशन क्या था, सेटअप अ कमीशन डिफाइन द स्कोप ऑफ वर्क. ये कमीशन का सेटअप करेंगे और उसका जो है स्कोप ऑफ वर्क को डिफाइन करेंगे, कैसे जो है ये वर्क करेगा. दैट द सिटीजन मैन और वीमेन इक्वली राइट टू एन एडुकेट मीन्स ऑफ लाइफ, क्योंकि चाहे वो आदमी है चाहे औरत है, लेडीज़ हैं चाहे जेंट्स हैं, सबको इक्वली जो है लाइवलीहुड अपनी आजीविका कमाने के मौके मिलेंगे, ठीक है. तो ये प्लानिंग कमीशन का जो था एक तरह से उसके अंदर जो उसको ड्राफ्ट किया गया तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन थी. ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल, ओनरशिप और कंट्रोल किसका रहेगा. बेसिकली हम तो ऊपर कर चुके हैं कि पब्लिक सेक्टर का ही रहेगा. डिस्ट्रीब्यूटेड एज टू बेस्ट समर्स फॉर द कॉमन गुड्स, कॉमन गुड्स के लिए है, ठीक है. द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट, कि अब जो सिस्टम है उसमें ये नहीं कहा गया था कंसंट्रेशन होगा वेल्थ का एक के लिए. इसमें ये बोला गया था हमारे प्लानिंग के अंदर कि जो कंसंट्रेशन नहीं होगा किसी के पास, जो डेवलपमेंट होगी वो पूरे सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए जो है वर्क किया जाएगा. नाउ अब आ जाते हैं प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. अब क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग के ऊपर. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था, टू मेक इकॉनमी सेल्फ रिलायंट, इकॉनमी को सेल्फ रिलायंट बना रहा, हिंदी में क्या वो आत्मनिर्भर बनाना है. सेल्फ जनरेटिंग थ्रू प्लान स्ट्रेटजीज, की सेल्फ जनरेट करना है जो मनी है खुद ही जनरेट करना है प्लान एक्टिविटीज़ के थ्रू. टू एक्टिवेट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस अमंग द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो इंडिया के वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी है उसके अंदर डेवलप करना. हाँ जी, ट्वेल्थ क्लास आज आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे. हम कर रहे थे पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इसके अंदर अब हम करेंगे मेजर आउटकम्स की. हमने 5 ईयर प्लान्स बना लिए तो उसके क्या आउटकम्स रहे. फाउंडेशन जो थी, आउटकम ऑफ द अर्लियर फेजेस ऑफ प्लान डेवलपमेंट मस्ट बिगिन एंड एक्नॉलेजिंग द फैक्ट दैट लेट द जो हमारे प्लान्स बने उन्होंने जो था हमारे जो था कह सकते हो डेवलपमेंट का एक तरह से फाउंडेशन रख दिया. फाउंडेशन मतलब नींव का पत्थर रख दिया कि फ्यूचर का इंडिया कैसे बनेगा. मेजर मेगा प्रोजेक्ट्स लगे जैसे भाखड़ा नंगला हीरा कुंड है, तो इरीगेशन के अंदर जो था ये डेवलपमेंट हुआ है. पब्लिक एंड जो सेक्टर्स के अंदर इंडस्ट्रियल के स्टील प्लांट्स लगे, ऑयल रिफाइनरीज लगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगे, डिफेंस प्रोडक्शन जो हमने अपना करना शुरू किया. हमने वेरियस लैंड रिफॉर्म्स किया, एग्रेरियन सेक्टर्स में किया लैंड रिफॉर्म्स, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम किया, ठीक है. तो ये हमारा किसका आउटकम्स था, हमारे जो था 5 ईयर प्लान्स का आउटकम्स था. नेक्स्ट जो था इसके अंदर, दिस बोर्ड एक्ट नॉट ओनली रिलीज द लैंड. अब यहाँ क्या हुआ, जब हमने लैंड रिफॉर्म्स किए तो इसने जो था बड़े बड़े किसानों से ज़मीन लेके किसको दे दी, छोटे छोटे किसानों को दी, ठीक है. अटेम्प्ट ऑफ लैंड कंसोलिडेशन किया, बिगनिंग स्मॉल जो लैंड के पीसीस थे उनको इकट्ठा करके जो है बिग लैंड फार्म बनाया, और उसके ऊपर जो था एग्रीकल्चर किया जिससे मशीन्स के थ्रू एग्रीकल्चर किया जा सके. द अदर टू कंपोनेंट्स वेयर द लैंड रिफॉर्म्स वर लेस. अब ये तो हमने कर दिया, हमने सब कर दिया, पर कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल नहीं हुए, ठीक है जी. वो कहाँ थे, लॉस वर मेड, लॉस तो बना दिए, लिमिट भी पुट कर दी कि इतनी लिमिट तक लैंड सीलिंग कर दी कि इतना जो है एक पर्सन के पास रहेगा. बट बेटा हाउ मच लैंड वन पर्सन कुड ओन, पीपल विद एक्सेस लैंड मैनेज टू इन्वेड द लॉ. अब जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी उन्होंने जो था इस सबसे बचने के लिए उन्होंने अपने परिवार के अलग अलग लोगों के नाम कर दिए. भी एक पर्सन अगर एक किला रख सकता है, उसके पास 10 किले थी तो 10 पर्सन थे घर में, तो सबके नाम पे वो कर दी, तो उसके पास ही लैंड रही ना, किसी और के पास तो गई नहीं.
सेकेंड प्रॉब्लम, क्योंकि टेनेंट्स जो थे जो उस पर काम कर रहे थे मजदूर, हु वर्कड ऑन द सेम लैंड, ग्रेटर सिक्योरिटी अगेंस्ट द एविक्शन, उनको ज़्यादा जो था प्रॉब्लम हो गई कि इक्विक्शन की हो गई कि हमें कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो था, इट वॉज नॉट ईजी टू टर्न देयर वेल मीनिंग पॉलिसीज ऑन जो एग्रीकल्चर में जो थी कि कैसे जो है वर्क करेंगे, रूरल लैंडलेस लेबर्स जो हैं पुअर हैं उनको कैसे मोबिलाइज किया जाएगा, कैसे जो है वर्क करेंगे। अब ये जो था फीचर ऑफ इंडिया लैंड रिफॉर्म पॉलिसी का, चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग, के ओनरशिप में चेंज हुआ है, लैंड सीलिंग कर दिया गया, बट जो लैंड लॉर्ड जो लैंड लॉर्ड्स थे, लैंड ऑनर्स जो थे, वर वेरी पावरफुल, कि उन्होंने जो गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया उसके जो था अगेंस्ट जो था वो अगेंस्ट कैसे गए कि उन्होंने लैंड अपने नाम करवा ली। ठीक है, अब इसके अंदर नेक्स्ट जो है ग्रीन रेवोल्यूशन है, आप बहुत देर से ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, इंक्रीज मीनिंग क्या, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, HYV सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, गुड इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, तो ये सारा उसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट जो है मेरिट्स क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन की, अगर आपको नाइन्थ वाला याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं, मेरिट क्या थे, इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड की, इंक्रीज़ हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया है, वीट एंड राइस की प्रोडक्शन इंक्रीज़ की है, देन रीजन लाइक पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो थे प्रॉस्परस रीजन हो गए, फार्मर ऑफ द मीडियम लैंड होल्डिंग्स वर बेनिफिटेड, उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट, एंड दे एमर्ज एज अ पोलिटिकल इन्फ्लुएंशियल जो थे लीडर बन गए, देन मेरिट थी तो डीमेरिट्स भी थी, डीमेरिट्स क्या थी, इट लेड द पोलराइजेशन बिटवीन द क्लासेस, द रीज़न, अब पोलराइजेशन हो गया अमीर ठीक है गरीब, तो इनके में पोलराइजेशन हो गया, ओनली पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के जो स्टेट थे वो जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के एरियाज थे वो ही ज़्यादा क्या हुए प्रॉस्पर हुए, प्रॉस्परस मतलब संपन्न हुए, बाकी एरियाज क्या थे बैकवर्ड रह गए। ठीक है, द पुअर फार्मर रिमेन निगलेक्टेड, और जो गरीब किसान थे जो भूमिहर किसान थे वो अभी भी क्या रह गए, निगलेक्टेड रह गए, निगलेक्टेड मतलब कि पिछड़े हुए रह गए। देन हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, इसके बाद बेटा एक टर्म ऑन यूज़ होती है वो होती है वाइट रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1970 जिसमें जो है ऑपरेशन फ्लड, फ्लड जो है अमूल उसी के अंदर बनाया गया, ऑपरेशन फ्लड क्या है, द कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग वुड बी कनेक्टेड टू द नेशन वाइड सिस्टम, कि दूध का जो था कि एक जगह पे इकट्ठा किया जाएगा, नेशन वाइड सिस्टम जो था एक तरह से डेवलप कर लिया गया, और मिल्क मैन इंडिया के कौन थे, वर्गीस कुरियन, ध्यान रखना है मिल्क मैन है इंडिया के, जब भी लिखोगे तो वर्गीस कुरियन का नाम आएगा। दे सॉ डेयरिंग जो है डेयरी फार्मिंग जो कह सकते हो एज अ पाथ ऑफ डेवलपमेंट फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, कि ये डेवलपमेंट का पाथ है कि अगर आपको इनकम को जनरेट करना है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है फॉर द रूरल हाउस होल्ड एंड एलिवेटिंग पॉवर्टी, और पॉवर्टी को ख़त्म करना है तो हमें डेयरी फार्मिंग जो है अपनी उसको क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। देन जो था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग का मतलब है कि प्लानिंग को जो था कैसे सेंटर से एक के हाथ से लेके जो है अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। डिज़ाइन टू इन्वॉल्व द पीपल थ्रू द वॉलंट्री सिटीजन, अब एक ऐसा डिज़ाइन है जिसमें पीपल्स को वॉलंट्री इन्वॉल्व किया जाएगा कि आप आपकी मर्जी है आप आके जुड़िए। ऑर्गेनाइजेशन इन मेकिंग प्लान एट द पंचायती, पंचायती मतलब छोटे लेवल पे, ब्लॉक्स के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, लाइक केरल प्लान। ठीक है, तो यहाँ तक हमने किया कि क्या क्या जो था गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। अगर आपको शॉर्ट नोट आ जाए PC महलबोनिस, कौन है PC महलबोनिस, तो इंडियन साइंटिस्ट थे, अप्लाइड जो थे स्टैटिस्टिशियन थे, रिमेंबर फॉर द मेलबर्निस डिस्टेंस, ठीक है उन्होंने एक जो थ्योरी दी थी। देन इट इज़ फाउंडेड एन इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का जो था इन्होंने जो था बनाया था, एंड कंट्रीब्यूटेड टू द डिज़ाइनिंग ऑफ लार्ज स्केल सैम्पल सर्वे, सैम्पल सर्वे आप एक इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वो भी इन्हीं का डिज़ाइन किया हुआ है। देन फर्स्ट 5-year प्लान किसने ड्राफ्ट किया था, KN राज ने, और सेकेंड किसने किया था, PC महलबोनिस ने। अभी हमने एक टर्म की बेटा केरल प्लान, अब केरल प्लान क्या था, इट इज़ द इनिशिएटिव टेकन बाय केरला फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज, की केरला ने जैसे बॉम्बे में इनिशिएटिव लिया था इंडस्ट्रीज ने, वैसे ही केरला में इनिशिएटिव लिया डेवलपमेंट के लिए। ठीक है जी, और क्या स्ट्रेटेजीज को डेवलप किया गया इसके अंदर, टू सक्सेसफुल डेवलपमेंट रेजोल्यूशन जो पास किए गए, फर्स्ट जो था ग्रीन रेवोल्यूशन और दूसरा क्या था आपका वाइट रेवोल्यूशन। तो ये जो है केरल प्लान मैंने ऊपर जो आपको बता दिया, इट इज़ द इनिशिएटिव
टेकन बाय द केरला फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्टडीज, की प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए जो है कैसे वर्क किया जाएगा। और डेवलपमेंट के लिए दो जो थे रेवोल्यूशन आए, एक जो था ग्रीन रेवोल्यूशन था और दूसरा रेवोल्यूशन क्या था आपका, वाइट रेवोल्यूशन था। देन है एम्स ऑफ एग्रेरियन एग्रीकल्चर पॉलिटिक्स आफ्टर फेमाइन। फेमाइन पड़ा, सूखा पड़ गया, उसके बाद क्या किया गया। फर्स्ट जो था न्यू इरिगेशन पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस एंड स्ट्रेस वाज गिवन ऑन द माइनर जो था इरिगेशन, छोटे छोटे उसके ऊपर ध्यान दिया गया। इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी टू एच वाई वे सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके जो है फर्टिलिटी को इंक्रीज़ किया जाएगा। सॉइल का सर्वे किया जाए कि कौन सी सॉइल जो है फर्टाइल है, कौन सी सॉइल फर्टाइल नहीं है। देन इसमें लेफ्ट विंग इन पॉलिटिक्स एंड राइट विंग इन पॉलिटिक्स। तो लेफ्ट विंग का क्या मतलब है, दिस रेफर टू द पोजीशन ऑफ कंसर्न पार्टी इन द ग्रुप। द लेफ्ट सिग्निफाइज टू फेवर द पुअर एंड डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो लेफ्ट वाले थे वो क्या कहते थे कि गरीबों का फ़ायदा होना चाहिए, और फ़ायदा किसको करना है, गरीबों की सहायता कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी, पब्लिक सेक्टर के। मतलब लेफ्ट वर इन द फेवर ऑफ सोशलिस्ट मॉडल एंड इन द फेवर ऑफ पब्लिक सेक्टर। एंड वट अबाउट द राइट, द राइट सिग्निफाइज टू द फेवर ऑफ फ्री इकॉनमी इन द मार्केट। वो फ्री इकॉनमी है कि मार्केट जो है गवर्नमेंट से फ्री रहना चाहिए, नॉट टू बी इंटरवेन अननेसेसरी बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को जो है उसमें इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए, उसमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। ये है लेफ्ट और राइट का थ्योरी है, डिफरेंस भी आ जाता है आपको, ठीक है। तो ये है वट जो है लेफ्ट एंड डिफरेंशिएट बिटवीन लेफ्ट एंड राइट विंग पॉलिटिक्स, तो आपको ये बताना है। अब जो आपका नया चैप्टर जो बोर्ड ने इंक्लूड किया, नया टॉपिक, दैट वाज नीति आयोग। नीति आयोग जो है बेटा प्लानिंग कमीशन का ही जो है आगे नया रूप है कह सकते हो। अब क्या है नीति आयोग, आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लानिंग कमीशन बेस्ड सोशलिस्ट मॉडल पर बेस्ड था, मॉडल वॉज फॉर्म्ड, बट इन द ईयर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जैसे जैसे जो था ग्लोबलाइजेशन आ गया, लिबरलाइजेशन आ गया, especially in the 21st century, it is ineffective and irrelevant। धीरे धीरे क्या हो गया, ineffective हो गया, irrelevant हो गया, मतलब ज़्यादा जो था लोगों के जो aim थे, objectives थे, उनको पूरा नहीं कर पा रहा था, ठीक है। then जब BJP government आई है 2014 में, इन द इंडिपेंडेंस स्पीच ऑफ 15 अगस्त 2014, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टॉक अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ प्लानिंग कमीशन। उन्होंने 2014 जो अगस्त था उसी में इस चीज़ को डिसाइड कर दिया था कि अब जो है प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया जाएगा, अबॉलिश कर दिया जाएगा, और उसकी जगह पे एक जो है नया आयोग बनेगा, दैट आयोग वॉज नोन एज नीति आयोग, ठीक है जी। और इसने वर्क करना शुरू किया 1 जनवरी 2015 से जो था नीति आयोग ने अपना वर्क करना शुरू कर दिया। देन इसके अंदर नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, अब इसके ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइडिंग द नेसेसरी एंड द टेक्नोलॉजिकल एडवाइस टू द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट को जो है एडवाइस प्रोवाइड करना है जो है कि कैसे जो है प्लानिंग का वर्क करना है, रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल, की पॉलिसी मेकिंग सेंटर एंड स्टेट लेवल के ऊपर कैसे होगी। अब कंपोजिशन मतलब किन किन को शामिल किया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, द एक्स ऑफिसो चेयरमैन होगा, प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन रहेगा। देन पीएम अपॉइंट द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग, पीएम जो अपॉइंट करेगा वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग का। देन फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन है, अरविंद पन्नागरिया है जो फर्स्ट चेयरमैन है, डॉक्टर राजीव कुमार इज द करंट वाइस चेयरमैन है आपके नीति आयोग के, ठीक है। टू हार्मोनाइज द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी एंड टू प्रिपेयर स्ट्रेटजीज एंड लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम, नीति आयोग एक्ट एज अ थिंक टैंक ऑफ यूनियन। अब थिंक टैंक का मतलब क्या है कि सोच का काम करेगा, सारी सोच जो है अगर कहीं भी प्रोग्राम्स बनेंगे डेवलपमेंट के तो वो कहीं ना कहीं आइडिया कौन देगा, आपका नीति आयोग देगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है आपका वर्ड है थिंक टैंक, नीति आयोग इज अ थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो है थिंक टैंक है। देन इसमें एक और है बायोप्टे बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का क्या मतलब है, नीति आयोग एक्ट इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज
इट इंश्योर्स इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स इन द कंट्री, कि जितनी भी स्टेट्स हैं कंट्री की उसमें जो है इक्वली पार्टिसिपेट करेंगी सारी जो है स्टेट्स। बट आई होप कि चैप्टर आपको समझ आ गया हो गया। थैंक यू।